Subscribe to Sandy's Kitchen and click on the bell icon for more updates. नमस्कार फ्रेंड, मैं आज आ गया हूँ फिर एक नया वीडियो लेके। आज हम लोग बनाएंगे सूप, टमाटर और चिकन से बनाएंगे सूप। अच्छा, ये सूप जो है इसको बनाने के लिए हम लोगों जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं ही यहाँ पे काट के रेडी करके रखा हूँ। और दो बात कहना है मुझे, एक तो बात है कि आज थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मेरा जो घर है वो थोड़ा रोड के सामने है, तो थोड़ा चीची चीची आवाज आएगा बीच बीच में। और दूसरा जो बात है, जो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल में देखने के लिए तो वो लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि जो नया वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाए। तो चलिए देखते हैं सूप कैसे बनाते हैं। तो पहले जो करना है वो करना है, गैस तो ऑन कर लेना है। और सबसे बड़ा बात जो है वो ये सूप बनाने के लिए हमको चाहिए स्टॉक वाटर, जो मेरे पास है नहीं। तो अभी स्टॉक वाटर, बिना स्टॉक वाटर क्या कर सकते हैं, उसको पानी से बना देते। तो ये 1 लीटर पानी है, तो आप लोग 1 लीटर पानी से बना सकते हैं अगर स्टॉक वाटर नहीं हो तो, और स्टॉक वाटर हो तो बहुत अच्छा है। स्टॉक वाटर ऐसे बनाते हैं उसके लिए अलग से वीडियो एक मैं बनाने वाला हूँ बाद में। तो सबसे पहले जो करना है वो है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा सा पानी, ये कढ़ाई में थोड़ा पानी थे उसको सूख गया, तो कढ़ाई अच्छे से गर्म होना चाहिए। और थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल देता हूँ। ये थोड़ा बहुत पानी इसमें देने के बाद जो इसको करना है, पानी को थोड़ा बॉयल आने तक वेट कीजिए। तो पानी जब तक बॉयल होता है उसमें हम डालते हैं ये चिकन। ये जो चिकन है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर देके मैंने सीजन करके रखा था। ये चिकन जो है ये पानी बॉयल आने के बाद इसको ऐड, हाँ तो पानी में बॉयल आ चुका है, करीब करीब बॉयल आ चुका है। और एक काम करना है, जो है ये लहसुन का जो क्लोब्स है इसके ऊपर चाकू को रखने के बाद ये पैसा हम लोगों को बाकी है लहसुन के पास, तो इसे मारना है, इसको फट गया और ऐसे बस ये चॉप हो गया लहसुन, जो देखिए अच्छे से चॉप हो गया, जितना नहीं हुआ है उसको पकड़िए और ऐसे। अच्छा, चॉपिंग से याद आया, ये जो भी वेजिटेबल वगैरह है चॉप करने का, इसका एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, कैसे वेजिटेबल चॉप किया जाता है, क्या क्या, कौन सा वेजिटेबल कैसे चॉपिंग होता है, कौन सा कैसे जाता है, इस बारे में जो एक वीडियो है ये मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। लहसुन दे दिया पानी में तो इसका फ्लेवर जो है पानी में आ जाएगा, लहसुन का फ्लेवर। तो इसमें डालते हैं चिकन, चिकन जो है इसको इसमें दे दिया। अच्छा, चिकन को डालने के बाद थोड़ा बॉयल कर लेंगे चिकन को। देखिए पानी, देखिए कैसे सफेद हो जा रहा है चिकन बॉयल होने से। करीब करीब देखिए बॉयल भी हो चुका है चिकन जो है। हाँ, एक बात है, ये जो पानी हो रहा है ये भी आप स्टॉक वाटर कह सकते हो। देखो मेरा स्टॉक वाटर नहीं था तो स्टॉक वाटर भी मेरा रेडी हो गया। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो करना है ये इसमें देना है ऑनियन। ऑनियन देखिए मैं काट के रखा हूँ, ये सब मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में कैसे ऐसे काटना है। टमाटर तो इसको भी डाल देते हैं इसमें। चलो, ये इधर 2 टमाटर चॉप किया है मैंने, इसको मिक्स कर लो, इसको मिक्स कर लो। और इसको हाई फ्लेम में करना है, जो भी मिक्स करना है अभी तक जो भी बन रहा है वो हाई फ्लेम में बन रहा है। तो ये हो गया, अब इसको करना है पानी से भर्ती, पूरा पानी 1 लीटर पानी जो है मेरा जाएगा इसके अंदर, थोड़ा ज्यादा बनाना है। चलो कोई बात नहीं, हो गया पानी बॉयल आने दीजिए पानी को। पानी बॉयल आने तक वही जो करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा और भी जो वीडियो है वो सब वीडियो देखिए। और नया सब्सक्राइबर जो है वो लोग क्या करिएगा, वो लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब जो करना है इसमें देना है
सॉल्ट एंड पेपर सीजनिंग। तो ये सॉल्ट एंड पेपर है इसमें, तो इसको सीजनिंग करते हैं। चलो डाल दिया इसमें और थोड़ा हिला दीजिए इसको अच्छे से। अब जो करना है काम ये है, ये चीज जो है ये है चिकन पाउडर। ये इसमें MSG होता है। अब ये हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है, अब मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरे को चलता है, मैं खा लेता हूँ इसको, पी लेता हूँ सूप इसमें दे के, नूडल्स में भी देता हूँ। लेकिन आप लोग दीजिए या ना दीजिए आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है, इसमें MSG होता है, जो हम लोगों को अजीनोमोटो बाजार में आता है वही इसमें रहता है। तो इसको डाल देते हैं इसमें, इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, और कुछ भी बोलिए खाने में बहुत मस्त लगता है इसको देने से। अच्छा अब जो करना है वो है इसको टेस्टिंग, सॉल्ट और पेपर सही है कि नहीं। तो टेस्ट कैसे करेंगे, बहुत गर्म है, ठीक है, थोड़ा नमक चाहिए, तो नमक का बंदोबस्त करते हैं। चलो इसमें डाल दिया नमक और इसको हिला देते हैं। चलो इसको अच्छे से और बॉयल होने दीजिए, ये जितना बॉयल होगा उतना इसका अच्छा टेस्ट आएगा। कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर कुछ भी आप बोलिए, ठंडा पानी, हाँ इसको हमेशा ठंडा पानी से इसको मिक्स कीजिएगा, गर्म पानी देने से ये जम जाएगा, इसका जो है गुटली बन जाएगा, तो ये कॉर्न फ्लावर नहीं रहेगा, ये कुछ दूसरा ही बन जाएगा। अब इसको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, टाइम है हाथ में हम लोग का, बहुत टाइम है, ये बॉयल होने दीजिए 2-3 मिनट के, इसको 5-7 मिनट भी बॉयल कीजिएगा तो अच्छा है, फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा इसके अंदर। और जो काम करने है इसको ऐसे चलाते जाइए, कॉर्नस्टार्च देते वक्त इसको चलाते जाइए। ये देखिए इसका गाढ़ापन आ रहा है, धीरे धीरे इसका गाढ़ापन आ रहा है, इसको भी डाल ही दीजिए, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये एक और नया शेफ अभी आया है हम लोग किचन में, इसको थोड़ा गैस में रहने दीजिए, और उस टाइम तक हम लोग क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको फोड़ना है, नहीं ऐसे नहीं फोड़ना है, इसको धीरे से फोड़ना है, मारामारी नहीं करना है। ये किचन का जो काम है ये बहुत प्यार मोहब्बत का काम है, ऐसे ही कितने भी जल्दी जल्दी सेफ लोग काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्यार मोहब्बत का काम है। तो इसको भी खोल लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया ये योक का कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ये हो गया, ये बन गया इसको। अब ये भी सेम वही पॉलिसी से गैस को कर देते हैं कम, और सूप को चलाते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, देखिए गैस हाई फ्लेम में नहीं होना चाहिए तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बन गया ना बढ़िया सूप। तो ये बन गया हम लोग का चिकन और टमाटर का